रामपुर में बोले अखिलेश, कहा दोनों डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, हमने कहा 100 MLA लाओ सीएम बन जाओ। यूपी में 75 घंटे का स्वच्छता अभियान शुरू, कूड़े के ढेर हटाकर बनेंगे सेल्फी पॉइंट। मेरठ में जेल से बाहर आकर महिला ने थाने में सामूहिक दुष्कर्म का पुलिसकर्मी पर लगाया आरोप, SSP से की शिकायत। व्हाट्सएप चैट पर मुख्यमंत्री योगी के लिए किया गया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, युवक पर मुकदमा दर्ज। झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा, अस्पताल समेत करोड़ों की संपत्ति को। गुजरात में मतदान हुआ खत्म, शाम 5 बजे तक 57% लोगों ने डाला वोट। PTP के साथ रणनीति की समीक्षा करेगी पाकिस्तान सरकार, युद्ध विराम खत्म होने के बाद उठाया कदम। BCCI ने नई क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का किया ऐलान, 3 लोग शामिल। कश्मीर फाइल्स पर नादव लापिक के बयान का KRK ने किया समर्थन, बोले सल्यूट मिस्टर। नवम्बर में GST कलेक्शन घटकर 1.46 लाख करोड़ रुपए हुआ, अक्टूबर महीने की तुलना में 4% कम। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।